So really, you ain't gonna hit me back Yeah, now it's all just you got me on blast Damn, you're over it I've been done We're so toxic Can't get enough You can see that this hanger is broken. And this hanger, obviously I wanted to throw it but then uh, I just got an idea. So let's get started with our today's project. इसका ये लोअर पार्ट ले लिया है और इसको हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग अ वॉल हैंगिंग सो यहाँ पर मैं वूल ले रही हूँ मेरे पास ये वूल है फॉर क्राफ्ट पर्पस जो आपको नॉर्मली एक क्राफ्ट स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके पास पुरानी लेफ्ट ओवर वूल है तो आप उसका भी बना सकते हैं अब देखते हैं कि वॉल हैंगिंग की लेंथ कैसे होगी दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल इवन एक बच्चा आपके घर में जो होगा वो इसको बना सकता है वॉल हैंगिंग का हमें लेंथ कितना रखना है ये डिसाइड करना जरूरी है तो इसके लिए मैं एक बुक को मेजरिंग यूनिट की तरह यूज करने वाली हूं सो so, अभी हम इसकी ये लेंथ लेंगे एंड वी विल रोटेट इट सो यू कैन जस्ट रोटेट इट लाइक दिस आप अगर ज्यादा लंबा लेना चाहते हैं तो मे बी यू कैन यूज अ रजिस्टर एम ऑलमोस्ट डन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और वूल दोबारा मेजर कर लेंगे बट एज इफ नाउ मुझे लगता है इतने में काम बन जाएगा हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे मैं जो वॉल हैंगिंग क्रिएट कर रही हूँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वॉल हैंगिंग ये छोटा वॉल हैंगिंग है आप चाहें तो इसको लंबा लेके और वॉल हैंगिंग को अपने लंबा भी बना सकते हैं तो आपने क्या करना है इसको इस तरीके से लेना है और लूप बनाने के लिए आपने क्या करना है कुछ इस तरीके से करना है हमें पता है ये हमारा कॉर्नर एज है सो so, हमने यहाँ ऐसे रखा स्टिक को उसके ऊपर रखा एंड इसको इसके अंदर से ले आए दैट्स हाउ वी डू इट इट्स एज सिंपल एज दैट एंड देन वी कंटिन्यू दी एंटायर प्रोसेस बस आपने ध्यान रखना है कि जो नॉट्स हैं वो एक साइड में एक जैसे होने चाहिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये रेडी है अब हम ये वूल लेंगे कोई भी कंट्रास्ट कलर का आप वूल ले सकते हैं और फिर हमने वही मेजरमेंट का तरीका लेना है आप सिक्स स्ट्रैंड्स क्रिएट करिए और इस जगह में ये ग्रीन वाला वूल प्लेस करने वाली हूँ हमने अब उसी तरीके से अगेन ये ग्रीन वाला वूल बीच में प्लेस करना है इसी तरीके से हम एंड्स में भी इसको प्लेस करेंगे अब हम ग्रीन वालों को एक बार ऊपर शिफ्ट करेंगे आप इसको इवन कटिंग दे सकते हैं अब ग्रीन वूल लीजिए अब हम ग्रीन वूल को दोबारा लेंगे और ये जो लेंथ है इसके फोर टाइम्स हम ले लेंगे फोर टाइम्स या थ्री टाइम्स इसको आप साइड रखें और इसको हम एज ए मेजरिंग यूनिट लेंगे एंड रोटेट द वूल फाइव टू सिक्स टाइम्स इस तरीके से और इसको बिल्कुल सेंटर से ऑलमोस्ट सेंटर से आपने टाई करना है हमने ये टाई कर लिया है अब आपने इसको होल्ड करना है जस्ट होल्ड दिस पोर्शन लाइक दिस स्ट्रेच इट थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें इसको होल्ड इट लाइक दिस एंड जस्ट टाई अ थ्रेड हियर हम ये लेंथ रखने वाले हैं सो so हम इसको भी अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे हैंग करने के लिए हमें एक थ्रेड टाई करना पड़ेगा चलिए इसको हैंग करके देखते हैं